हेलो स्टूडेंट्स, ये ओसी जोन केम गुरु चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ यूपी बोर्ड से जो पाठ्यक्रम दिया गया है कक्षा 11 का रसायन विज्ञान में, उसको पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने रसायन विज्ञान का इतिहास पढ़ लिया है और रसायन विज्ञान का महत्व पढ़ा है। आज हम लोग थर्ड टॉपिक पे बात करेंगे, द्रव्य की प्रकृति, और दूसरा इसी में बात करेंगे द्रव्य की अवस्थाएं, और तीसरा टॉपिक बात करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, द्रव्य की प्रकृति। थर्ड टॉपिक हो गई ये, मैं टॉपिक लिखते जाऊंगा। मेरा जो डिस्कशन है वो जो एनसीईआरटी बुक है उस पर आधारित है, तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिएगा। द्रव्य की प्रकृति, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर। ओके, पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी अपने बारे में बात करता हूँ। मैं अशोक कुमार विश्वकर्मा हूँ और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक मेरा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है पीओसी जोन केम गुरु, उस चैनल पे भी मैं विद्यार्थियों को जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री से अपना कंसर्न रखते हैं, उनको मैं उस प्लेटफॉर्म पे और इस प्लेटफॉर्म पे भी नीट, जेई, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड के साथ साथ वेरियस जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति में आपको जानना क्या, द्रव्य की पहचान करना कि द्रव्य कौन होते हैं। तो मैं सीधा एग्जांपल ले लेता हूं, प्रकाश, ठीक है, इस पर प्रकाश पड़ रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, तो उसी को मैं ले ले रहा हूं प्रकाश, यहां पे लाइट। ओके, लाइट, लाइट मेरे पे भी पड़ रहा है। ओके, जहां बैठ के आप देख रहे होंगे तो मोबाइल से भी आपके ऊपर प्रकाश पड़ रहा होगा, तो आपके बीच में और मोबाइल के बीच, आपके और मोबाइल के बीच में जो प्रकाश पड़ रहा है उसके चारों ऐसे हाथ आप करके देखो तो वो प्रकाश आपको रोक नहीं रहा और अवरोधित नहीं कर रहा, जबकि द्रव्य की विशेषता होती है कि द्रव्य अगर कहीं होंगे तो वो अवरोधित करेंगे, आपको आपको चलने नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए बहुत तूफान आ रहा है, हवा बहुत तेज बह रहा है और आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो आपको वह तूफान मतलब हवा कुल मिला के आपको रोकने का प्रयास करेगा, ठीक, मतलब अवरोधित करेगा, वो आपको जाने नहीं देगा। कहीं पानी है ढेर सारा और वो तेज गति से आपके तरफ बह रहा है, उसके थ्रू आपको जाना है, तो अभी आपको अवरोधित करेगा। और ठोस तो जानते ही हैं कि अवरोधित करते हैं, जैसे मान लो कहीं मेज रखा हुआ है, कोई गाड़ी है, उसके से आप जाना चाहते हैं, उसको बिना आप ऊपर जाए उसके थ्रू जाना चाहते हैं तो नहीं जा पाएंगे। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि विश्व का या संसार का वो अवयव जो आपको अवरोधित करता है उसमें द्रव्यमान होता है और वो कुछ न कुछ स्थान घेरे रहता है। तो परिभाषा हो गई द्रव्य की प्रकृति की। द्रव्य की प्रकृति में हम परिभाषा की वस्तुतः बात करते हैं, जनरली बात करते हैं, तो यहाँ पे परिभाषा बोलेंगे कि विश्व का वह अवयव जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। ओके, तो द्रव्य के लिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि वह द्रव्य स्थान घेरता हो और सॉरी वह अवयव स्थान घेरता हो और उसमें द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ भारीपन हो, उसको आप क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। ओके, तो विश्व का कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा अवयव, पदार्थ बेसिकली नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कोई भी अवयव जो स्थान घेरता हो, कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 इंच, 1 mm, 1 माइक्रो, मतलब कुछ न कुछ स्थान घेरता हो और उसमें द्रव्यमान होता हो उसको आप बोलेंगे द्रव्य, ठीक है। तो ये रही द्रव्य की प्रकृति के बारे में बात है। ओके, इसमें लाइट नहीं आएगा, लाइट को सामान्य तौर पे द्रव्य की कटकरी में नहीं रखा जाता। ओके,
अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। तो यहां पे टॉपिक है, ये फोर्थ टॉपिक होगा द्रव्य की अवस्थाएं। पहला और दूसरा टॉपिक आपके इस केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो नंबर 1 करके, तो वहां पे आप देख लीजिएगा अध्याय 1 भाग 1। ये अध्याय 1 ही है और भाग 2 चल रहा है। भाग 1 आप पहले देख चुके होंगे, भाग 2 ये चल रहा है और चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या इन केमिस्ट्री। द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। ओके, मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। कहीं कहीं पे आप 5 अवस्थाएं पढ़ चुके होंगे, बोस, आइंस्टीन, और आप और पढ़े होंगे प्लाज्मा। तो इन पे अभी रिसर्च की विषय वस्तु है, रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक, तो इन दोनों को आप नहीं लेंगे, उन 3 अवस्थाओं को लेंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो आप बोलेंगे यहां पे कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव व गैस। ये आपको पहले से पता होगा क्योंकि 9th का ये कंटेंट है सब। अब हम लोग ठोस की परिभाषा लिखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ये 9th का कंटेंट है, अभी रिवीजन ही मान के चलिए। बोलेंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसकी आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। याद रखिए, आकार, आकृति और आयतन, इन तीनों में बोलना है, इनमें दोनों निश्चित होंगे। इनमें आयतन निश्चित नहीं होगा, सॉरी आकृति निश्चित नहीं होगी, बट आयतन निश्चित होगा, और इसमें आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो परिभाषा हो गई कि द्रव्य की वह अवस्था जिसकी आकृति व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसकी आकृति अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। और गैस की परिभाषा हो गई, द्रव्य की वह अवस्था जिसकी आकृति व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। अब थोड़ी सी और कुछ बातें हो जाए। इनमें कण जो उपस्थित होते हैं उनके बीच में लगभग नगण्य स्थान होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है ठोस की तुलना में, और गैस में द्रव सबसे ज्यादा होता है दो कणों के बीच में, अंतरकण की स्थान। ओके, अब आते हैं ठोसों का वर्गीकरण, सॉरी द्रव्य का वर्गीकरण पे। तो द्रव्य का वर्गीकरण हम लोग सीखेंगे इस समय, द्रव्य का वर्गीकरण। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव का नहीं, बड़े मात्रा में द्रव्य को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ओके, अभी इसको समझ लीजिएगा। देखो, ये निम्नलिखित प्रकार से यहां पे द्रव्य बना लीजिए आप लोग। ओके, इसको फर्दर बांट दीजिए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ये बटेगा। तो द्रव्य को एक बड़े पैमाने पर दो भागों में बांटा जाता है, मिश्रण के रूप में और शुद्ध पदार्थ के रूप में। ओके, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको यहां बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर व्यू मिले। मिश्रण, ओके, नोट कर लीजिए। तो मिश्रण हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया। शुद्ध पदार्थ को फर्दर दो भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक, और मिश्रण को भी फर्दर दो भागों में बांटते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। ओके, ये द्रव्य का वर्गीकरण हुआ यहां पे।
द्रव्य को बड़े पैमाने पर दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक, और मिश्रण को भी दो भागों में बांटते हैं, समांगी और विषमांगी। ओके, अब हम लोग यहां पे जानने की कोशिश करेंगे एक एक की परिभाषा। तो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा पहले जानेंगे, बाद में मिश्रण की परिभाषा जानेंगे, बाद में उसके बाद थर्ड नंबर पे तत्व और फोर्थ नंबर पे यौगिक की परिभाषा, पांचवे और छठवे नंबर पे समांगी और विषमांगी मिश्रण की परिभाषा सीखेंगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं यहां पे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जिसके अवयव एक समान होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिसके अवयव एक समान होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो मैं H2O की बात कर रहा हूं, मैं O2 की बात कर रहा हूं, मैं हीलियम गैस की बात कर रहा हूं, इन तीनों से आप भली भांति अवेयर हैं, जागरूक हैं। अगर हीलियम तो ये बैलून में भरा जाता है, गुब्बारों में भरा जाता है, और इसको कृत्रिम श्वसन हेतु भी प्रयोग करते हैं हीलियम गैस को ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो O2 श्वास लेने के लिए और ये पीने के लिए। तो अगर मैं जब भी H2O की बात करूंगा तो आप बोलेंगे कि H2O में अवयव H2O ही होता है, तो एक समान है, H2O ही होते हैं तो एक ही अवयव है उसमें। अगर बोलेंगे O2 आप सांस लेते हैं तो आपके दिमाग में आएगा ऑक्सीजन गैस एक ही अवयव है, हीलियम गैस एक ही अवयव है। तो ये सारे पदार्थ शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है। ओके, शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते थे, दो भागों में से ये जो था और ये यौगिक का उदाहरण था, और ये अच्छी जो था ये तत्व का उदाहरण था। ओके, मतलब तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, ये मैं परिभाषा बता रहा हूं, आप नोट करते चलिए। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये परिभाषा होगी। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और यौगिक की परिभाषा क्या होगी? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें दो या अधिक भिन्न भिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयोग किए रहते हैं, ये यौगिक की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो यौगिक और तत्व वह शुद्ध पदार्थ जो एक समान तत्वों से मिलकर बना होता है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जिसमें भिन्न भिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। हम लोग आगे अब बात करेंगे मिश्रण। मिश्रण वह द्रव्य आप कह सकते हैं, क्योंकि यह द्रव्य का प्रकार है, वह द्रव्य जिसमें दो या अधिक भिन्न भिन्न पदार्थ किसी भी अनुपात में परस्पर मिले रहते हैं। जैसे चीनी और पानी को आप किसी भी अनुपात में इन जनरल मिलाते हैं तो आपको जो भी चीज मिलता है उसे मिश्रण बोलते हैं। आप जो सीमेंट और बालू को मिलाते हैं वो किसी भी अनुपात में जनरली मिला देते हैं, कुछ ज्यादा कहीं कहीं मिला देते हैं, कहीं कहीं के कम मिलाते हैं, तो जो भी अरेंजमेंट हमें मिलेगा उसको आप मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? वह मिश्रण जिसके सभी अवयव एक समान होते हैं, एक समान, या आप बोल सकते हैं वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के अवयव एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के अवयव, वह मिश्रण समांगी मिश्रण का मैं परिभाषा बता रहा हूं, समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग, वह
मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग ठीक है का गुण एक समान होता है ठीक है। और विस्मांगी मिश्रण इसको इंग्लिश में आप होमोजिनस बोलते हैं, होमोजिनस, और इसको इंग्लिश में हेट्रोजिनस बोलते हैं आप, हेट्रोजिनस ठीक है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण भिन्न भिन्न होता है ठीक है ओके। तो ये विस्मांगी मिश्रण था, ये समांगी मिश्रण था। अगर समांगी मिश्रण का उदाहरण देखेंगे तो H2O हुआ चीनी का मिश्रण ठीक है। इसी में आपका वायु भी आ जाएगा, हवा भी आ जाएगा इसमें ठीक है। इसको भी एग्जांपल के तौर पे आप नोट कर सकते हैं। और अगर मैं विस्मांगी मिश्रण की बात करूं तो विस्मांगी मिश्रण में आप ले सकते हैं पेट्रोल व जल का मिश्रण, ये मिलेगा नहीं ओके, इसलिए एग्जांपल होगा ठीक। और हवा में कंकड़ पत्थर या मिट्टी के कण ले सकते हैं, तो वो भी इसका एग्जांपल होगा। तो जो मिलते नहीं है वो विस्मांगी में चले जाएंगे, और जो मिल जाते हैं परस्पर वो समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा ओके। इनमें जो संघटक होते हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता, यौगिक में संघटकों का अनुपात निश्चित होता है ओके। तो ये हम लोगों ने आज 3 टॉपिक पढ़ा। पहला जो टॉपिक था आज के डेट का वो द्रव्य की प्रकृति, दूसरा जो टॉपिक था वो द्रव्य की अवस्थाएं, और जो थर्ड टॉपिक था वो द्रव्य का वर्गीकरण। पहला और दूसरा टॉपिक भाग एक में पढ़ चुके हैं ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे प्रॉब्लम थी, तो उसको हम दोबारा आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक और जगह कमेंट कर सकते हैं, हमारा एक और जगह चैनल है ठीक, इसी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे ही BOC जोन के ग्रुप नाम से, उस पे भी आप व्यक्तिगत पार्टिसिपेट कर सकते हैं कुछ वीडियो देखने के लिए ओके। तो आप आज के सेशन में अशोक सर के साथ कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और कोरोना से बचे रहिए और मस्त रहिए, हेल्दी फूड लीजिए, ज्यादा चाय मत पीजिए, मास्क लगा के घूमिए ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।